बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रोज़ाना के इस्लामी वाकयात व वज़ाइफ़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं जो शख्स रोज़ाना दो सौ मरतबा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़े तो उसके पचास साल के गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं अलबत उस पर अगर कर्ज हो तो वो माफ़ नहीं होता जब तक अदा न करे या साहिबी हक माफ न करे रोज़ाना दो सौ मरतबा सूरत अखलास आप पढ़ सकते हैं आप किसी भी वक्त पढ़ लीजिए चाहे रात को जब सोने के लिए जाएँ तो पढ़ लीजिए या आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं बस आपने दो सौ मरतबा कुल्हल्लाहद पढ़ना है और उसके अव्वल आखिर आपने दरूद इब्रहीम लाजमी पढ़ लेना है दुरुजरीफ पढ़ने के बाद सूरत अखलास को 200 सौ मरतबा पढ़ लीजिए हम सब गार हैं और बेशक हम गुनागार हैं और हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि हमारे 50 साल के गुनाह मिटा दिए जाएंगे और इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है एक और हदीस में है कि हजरत अनस रजील्ला त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फ़रमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर सो मरतबा अहद पढ़े तो क़ियामत के दिन अल्लाह उससे फ़रमाएंगे ए मेरे बंदे दाएं जानब से जन्नत में दाखिल हो जा यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा काम और छोटा सामल है और इसकी फजीलत और अजर सवाब बहुत ज़्यादा है तो क़्यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अय मेरे बंदे जाए दाएँ जानब से जन्नत में दाखिल हो जा। हजरत अबू अब हुरर रज़ील् तैन फ़रमाते हैं कि जनाब रसूल सल्ला वसम ने इर्शाद फरमाया सब जमा हो जाओ तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊँगा जब साहब कराम रज़ी अल्ला तह जमा हो गए तो आप सल्ह वसम तशरीफ़ लाए और सूरत कुल अहद पढ़ी और इरशाद फरमाया ये सूरत एक तिहाई यानी तीसरा हिस्सा क़ुरान के बराबर है एक आदमी को सूरत अखलास से बहुत मोहब्बत थी और उस मोहब्बत की वजह से वह इस सूरत को हर नमाज की किरात के अख्ताम पर पढ़ते थे अल्लाह ताला ने उसकी इस सूरत से मुहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया सुबहानल्ला एक और हदीस में आया है के रसूल सल्लाम ने उस सहबी के मुताल जो इमाम थे और हर नमाज में कुल्लद ज़रूर पढ़ा करते थे और जब उनसे उनका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा मुझे इस सूरत से बेहद महब्बत है फरमाया उस शख्स को ख़बर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला ने भी उस शख़्स से मुहबत करते हैं एक और हदीस में है कि एक सहाी का वाक़ आया है कि वो हमेशा और सूरतों के साथ सूरत अखलास हर रकत में ज़रूर पढ़ा करते थे जब उनसे उसका सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है तो उस पर सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया इस सूरत की मोहब्बत ही तुमको जन्नत में दाखिल कर देगी एक और हदीस में आया है कि रसूल सल्ला वम ने एक शख्स को सच्चे दिल के साथ कुल अहद पढ़ते हुए सुना तो फरमाया उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई जो शख्स दिन में 200 सौ मरतबा सूरत अखलास पढ़ेगा उससे 50 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं इल्ला ये कि उस पर किसी का कर्ज़ हो तो वो मुआफ़ नहीं होगा अल्लाह रब्ल से दुआ है कि अल्लाह हमें भी कुरान से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए आमीन सुम्मा आमीन